बिग बॉस 14 के गार्डन एरिया में छा गया है क्रिसमस का जादू। जी हाँ व्यूअर्स, फ्राइडे एपिसोड में दिखाए जाने वाले क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए बिग बॉस हाउस में तैयारियां हो चुकी है और सारे सेलिब्रेशन थर्सडे की शाम होंगे। वेंसडे शाम 5 बजे से ही गार्डन एरिया की ब्लाइंड्स बंद कर दी गई थी और जिसके बाद सारी रात गार्डन एरिया को डेकोरेट किया गया। वहीं आज थर्सडे की सुबह हॉल रूम से ब्लाइंड्स खुलते ही सभी कंटेस्टेंट्स एक एक करके बाहर आए और डेकोरेशन देख के बहुत एक्साइटेड नजर आए। इस क्रिसमस डेकोरेशन के साथ आज सुबह बजाया गया मॉर्निंग सॉन्ग था फिल्म कपूर एंड सन्स का गाना बुद्धू सा मन है कुछ पागलपन है। तो व्यूअर्स, एक बात तो तय है कि क्रिसमस सेलिब्रेशन के नाम पे बिग बॉस की तरफ से सभी घर वालों को गिफ्ट्स का आदान प्रदान होगा, कुछ स्पेशल गेस्ट भी आ सकते हैं और शाम को क्रिसमस पार्टी भी जरूर होगी जहां सभी कंटेस्टेंट्स इस क्रिसमस पार्टी का मजा ले सकेंगे। वहीं ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या वो दो कंटेस्टेंट्स जो कि जेल में है क्या इस पार्टी का आनंद ले सकेंगे। जी हाँ व्यूअर्स, अली गोनी और राहुल वैद्य कल रात से बिग बॉस की कालकोठरी में बंद है। इन सभी कंटेस्टेंट्स में क्रिसमस के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है राखी सावंत, जो दो दिन से कह रही है कि मेरे प्रभु का जन्मदिन है, मैं बहुत खुश हूँ। तो व्यूअर्स, क्या आप एक्साइटेड है क्रिसमस सेलिब्रेशन देखने के लिए फ्राइडे एपिसोड में, और क्या इन दो कैदियों को क्रिसमस सेलिब्रेशन से पहले जेल से रिहा कर देना चाहिए? प्लीज कमेंट योर व्यूज एंड सब्सक्राइब।